सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू पोकेमॉन वर्ल्ड वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ 3 बेस्ट स्टार पोकेमॉन इन पोकेमॉन वर्ल्ड, या फिर मॉन्स्टर जिम चैम्पियनशिप, या फिर तुम कह लो पोकेवर्स वर्ल्ड। ठीक है, तो एक्चुअली बेस्ट टीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था, लेकिन एक सब्सक्राइबर मुझसे बोल रहा था कि भाई SR पोकेमॉन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि वो पूरे SSR के ऊपर था। ठीक है, तो यार उसने बहुत बार बोला, तो मैंने सोचा क्यों ना बना ही देते। एक्चुअली मेरे पास और भी टॉपिक थे, लेकिन चलो बोल ही दिया है तो बना ही देते। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3 पोकेमॉन की लिस्ट है, जिसमें से पहला है डार्करॉय, एंड ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। पता नहीं इसको SR में क्यों रखा गया है, एंड इसके स्टैट्स को थोड़ा सा कम क्यों दिया गया है, जबकि ये इससे बेटर डिज़र्व करता है। ठीक है, इसको SSR में रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, SR में रखा तो भी चलेगा। लेकिन ये बहुत ही बेस्ट पोकेमॉन है, क्योंकि तुम इसका स्टैट्स देख ही सकते हो। SP अटैक SSS है, एंड स्पीड SS है। इसको थोड़ा और स्पीड देना चाहिए था, लेकिन SR पोकेमॉन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। या तो तुम इसको ले सकते हो, या फिर इसके बदले गेंगार को भी ले सकते हो। गेंगार भी बहुत ही अच्छा है, एंड SR पोकेमॉन तुमको ज़्यादातर शाइनी वाले मिल जाएंगे मेगा ब्रेव के साथ। अब देखो ये इसका अटैक है, जिसमें डील डैमेज 650 है, एंड HP रिकवर करता ही है। इसमें रिड्यूस टारगेट का HP रिकवरी कम कर देता है। ठीक है, एंड डैमेज इंक्रीज़ हो जाएगा 40% अगर तुम्हारा ओपोनेंट है वो पॉइजन है। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा पॉइजन होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा। एंड इसका ये जो अटैक है अल्टीमेट मूव, अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो 15% चांस है कि ओपोनेंट पॉइजन हो जाएगा। यह है दूसरा अटैक डार्क वाइट, जो कि सिंगल टारगेट है, 400% डैमेज है, एंड ये डैमेज पॉइंट का मुझे पता नहीं है क्या है, मैं किसी भी कौन का डैमेज पॉइंट पता नहीं रहता मुझे, लेकिन हाँ वो एक फिक्स डैमेज है जो होता ही है। ठीक है, एंड इसका भी 15% चांस है कि पॉइजन हो जाएगा। इसके जितने भी सारे मूव हैं सब में 15% चांस रहता है कि पॉइजन हो जाएगा, बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन ठीक है, SR पोकेमॉन के हिसाब से ठीक ही है। ठीक है, अभी SR पोकेमॉन तो है नहीं कि उतना ज़्यादा खास देंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट जो 2 पोकेमॉन आने वाले ना वो भाई बीस्ट है। भले SR पोकेमॉन है, लेकिन SSR पोकेमॉन को छोड़ के लोग वो 2 पोकेमॉन यूज़ करते हैं, एंड तुम गेस करो यार वो 2 पोकेमॉन कौन से हो सकते हैं, तुम कमेंट में बताना। वीडियो आगे जाने से पहले अभी बता दूँ कि नेक्स्ट जो 2 पोकेमॉन होने वाले हैं उसमें से दोनों पोकेमॉन को मैं कौन कौन से 2 पोकेमॉन को रखने वाला हूँ, तुम अभी गेस करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखो वैसे तो डार्करॉय का यहाँ पर स्टेट थोड़ा सा कम दिया गया है, लेकिन इसका अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा OP है, एंड तुम अगर इसको पॉइजन टीम के साथ यूज़ करते हो तो और भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉइजन रहेगा अपोनेंट तो ये और भी ज़्यादा डैमेज करता है, बाकी इसके मूव से भी पॉइजन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पोकेमॉन है हमारा स्नोरलैक्स, एंड भाई इसका तुमको अगर मैं SS दिखाऊँ ना तो बहुत ही खतरनाक है। इसके पास एक अटैक है एंड 2 रिकवरी मूव है, रेस्ट एंड ईट एंड बॉडी स्लैम है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही खतरनाक है। इसका SS तुम ज़रा देखो, HP SSS है। ठीक है, अटैक SS एंड एस डिफेंस SS है। भाई इसका HP ख़त्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर तुम इसको सही से यूज़ कर रहे हो, सही से आइटम दे रहे हो, वैलिड आइटम वगैरह, तो भाई बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। इसको लोग SR पोकेमॉन की जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, एंड इसका नेचर अगर तुम ब्रेव वर्ड मेगा ब्रेव देते हो तो ज़रा इसका इफेक्ट देखो। ईच अटैक डील डैमेज बाय 4%, 8%, 12%, 16% एंड 20%। ठीक है, इट्स मैक्सिमम HP एडिशनली, मतलब तुम्हारा मैक्सिमम HP जितना रहेगा ना उसके हिसाब से 4% डैमेज का अगर 1 लेवल होगा, 2 लेवल में और भी ज़्यादा, इस तरीके से बताया गया है। एंड 3 लेवल अगर है मेगा ब्रेव तो एडिशनल जो बोनस पॉइंट है वो ये है कि द एडेड मैक्सिमम HP परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%, मतलब वो तो डैमेज देगा ही जितना डैमेज देना था, और ऊपर से और एक्स्ट्रा 5% देगा। फिर ये 5th लेवल का है, वो है एट द एंड ऑफ राउंड रिकवर HP बाय 10% डैमेज टेकन इन दिस राउंड, जितना डैमेज देगा तुमको उसका 10% HP रिकवर हो जाएगा, एंड बाकी 1 लेवल 2 लेवल पे जो था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही खतरनाक है इसका अटैक, अगर तुम देखोगे 600% डैमेज है एंड 300 पॉइंट फिक्स है डैमेज का, स्टन वैल्यू है इसके पास। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हारा HP रहेगा उतना ही ज़्यादा परसेंट है तुम स्टन कर सकते हो, मैक्सिमम स्टन परसेंट 70% है एंड मिनिमम स्टन परसेंट 35 है, मतलब उससे कम स्टन परसेंट है ही नहीं,
तो बहुत ही सही है, स्टन भी होता है। एंड अगर बंदा स्टन हो गया तो वो एक टर्न के लिए अटैक नहीं कर सकता, एंड डैमेज इसका बहुत ही ख़तरनाक है। तुम इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हो, एंड एचपी तो बहुत ख़तरनाक है ही पहले से, ठीक है। अब इसका नीचे का तुमको थोड़ा और दिखाता हूँ, वैसे नीचे है ही नहीं शायद कुछ। बाकी इसका रेस्ट अटैक है एंड ईट अटैक है, रेस्ट अटैक का तुमको दिखाता हूँ। रेस्ट अटैक से देखो क्या होता है, सिंगल रिकवरी तो इसका 180% है, प्लस 180 पॉइंट फिक्स एचपी रिकवर होगा, ठीक है, सिंगल टर्न में। एंड जब ये स्लिप हो जाएगा, रेस्ट अटैक से स्लिप ही होता है, तो स्लिप होने के बाद इसका डिफेंस डिफेंस बढ़ जाएगा 20%। एंड जब वो स्लिप से मतलब निकल जाएगा ना, तो 40% इसका जो मैक्सिमम एचपी है वो रिकवर हो जाएगा, मैक्सिमम एचपी का 40%, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अब सोचो कोई बंदा तुमको 10-20% का डैमेज दे रहा है और तुम एक स्लिप अटैक करके 40% एचपी रिकवर कर पा रहे हो, तो कितना ज़्यादा ओपी है। यह है इसका ईट अटैक, सिंगल रिकवरी 90%, मतलब 60 पॉइंट एचपी फिक्स रिकवर होगा। एंड रिकवर इट्स योर ओन एनर्जी बाय वन, ठीक है, मतलब तुम इससे अपना एनर्जी भी रिकवर कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड और क्या चाहिए भाई, तुमको एक टैंकी पोकेमॉन मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा अटैक कर सकता है, जिसका एचपी बहुत ही ज़्यादा रहता है, एचपी रिकवर भी करता है एंड साथ ही साथ वो अपना एनर्जी भी रिकवर कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। एंड भाई अगर तुमको मेगा ब्रेव नेचर मिल गया 5 लेवल का तो बहुत ही अच्छा। एंड इसका जो मेगा फॉर्म है वो तो एचपी पोकेमॉन है, तो वो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड वो तो सबसे टॉप वन पे है, बहुत ही खतरनाक वन। तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो अपने टीम में, इनफैक्ट तुम इस साथ छोड़ के ये भी ले सकते हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलो नंबर वन के ऊपर चलते हैं। एंड अपना जो नंबर वन पोकेमॉन होने वाला है वो है ये पोकेमॉन। सो या नंबर वन पे है लुकारियो, एसआर पोकेमॉन में सबसे ख़तरनाक पोकेमॉन। एंड मुझे पता नहीं क्यों इसको एसआर के कैटेगरी में रखा गया, जबकि ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट पोकेमॉन है। एंड इसका अटैक वगैरह सब बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अटैक डबल एस है, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तुमको पता है कि अटैक से भी ज़्यादा कुछ होता है वो है क्रिटिकल हिट। एंड तुमको अगर मैं इसका नेचर वगैरह दिखाऊँ तो देखो, एक लेवल में इसका 14% क्रिटिकल हिट इंक्रीज़ होता है, दो में 28%, तीन में 42%, चार में 56 एंड पाँच में 70, मतलब हाँ 56 और 70, 56 मैंने ऐसे ही बोल दिया था जो जोश में, 56 और 70 इंग्लिश बोल दिया था बीच में, ठीक है, तो इग्नोर करना। एंड अगर तुम लेवल 3 पे हो तो एडिशनल कुछ बोनस मिलता है, वो है कॉज एडिशनल डैमेज ऑफ 6% मैक्सिमम एचपी टू द टारगेट, मतलब तुम्हारा जो मैक्सिमम एचपी रहेगा उसका 6% डैमेज नहीं होगा, क्रिटिकल हिट और इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जब क्रिटिकल हिट पड़ेगा तभी डैमेज होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा क्रिटिकल हिट पड़ता है तो तुम एडिशनल 6% डैमेज दे सकते हो। 5 लेवल पर देखो, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 40% नॉर्मल अटैक परस्यूड ड्यूरिंग क्रिटिकल हिट। जब तुम क्रिटिकल हिट मारोगे, मतलब कोई कौन सा भी मूव मारो तुम, अगर तुम्हारा क्रिटिकल हिट लगता है तो ये एक एडिशनल अटैक करेगा जो कि है परस्यूड, मतलब एक अटैक के साथ एक अटैक फ्री, लेकिन उसका चांस बस 40% है कि मारेगा करके। तो ये रहा इसका नेचर, एंड नेचर भी देख सकते हो बहुत ही तगड़ा वाला नेचर है, क्रिटिकल हिट रेट भाई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। एंड अभी तो और भी है, रुको, यह है इसका वैक्यूम वेव जो कि अल्टीमेट है, एंड फिर है ऑरा सफायर, फिर है पावर ऑफ पंच, ये तीन तुमको मूवसेट मिलेंगे इसके साथ। एंड तीनों में क्रिटिकल हिट इंक्रीज़ होता है भाई, एक तो मेगा ब्रेव 5 हो गया तो तुम सोचो 70% क्रिटिकल हिट रेट है, एंड ऊपर से इसमें देखो 600% डैमेज, मतलब 300 का डैमेज देगा, 300 का फिक्स डैमेज है, ठीक है। एंड 60% वो तो अलग से रहता है, क्योंकि एक एक फोन में भाई हज़ारों लाखों की एचपी रहती है, तो 600% डैमेज देगा, 300 एडिशनल डैमेज देगा, लाइफ स्टील 20% करेगा। एंड परस्यूट करके एक और एबिलिटी है इस मूव के अंदर, ड्यूरिंग क्रिटिकल हिट देयर इज 60% चांस टू ऐड नॉर्मल अटैक वन टाइम, मतलब इसमें 60% चांस है कि तुम्हारा एक नॉर्मल अटैक लगेगा। एंड तुम्हारे पास अगर मेगा ब्रेव है तो उसमें और भी 40% चांस, मतलब 100% चांस हो जाता है टोटल मिला के कि तुम्हारा एक परस्यूट करके एक अलग से अटैक यूज़ होगा जब ये अल्टी यूज़ करेगा, ठीक है। फिर ऑरा सफायर है, इसमें देखो 300 का डैमेज है, फिक्स डैमेज है 180, एंड एक्सट्रीम स्पीड एबिलिटी है इसके अंदर, जो कि 100% कन्फर्म चांस है कि ये हिट करेगा ही करेगा, मिस नहीं होगा। क्रिटिकल हिट रेट भाई 15% इंक्रीज़ होगा अगर तुम इसको यूज़ करते हो तो, लेकिन ओवर हिट का इंक्रीज़ होगा 15%, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड ये था ऑरा सफायर, वैसे ऑरा सफायर ही तुम्हारा ओवर हिट अटैक है और ऊपर वाला हुक्का मूव है,
नॉर्मल मूव जो रहता है वो है इसका पावर ऑफ पंच, ये नॉर्मल मूव है ठीक है। तो चलो देखते हैं पावर ऑफ पंच क्या करता है। इसमें भी क्रिटिकल हिट तुमको इंक्रीज होते हुए दिखेगा ठीक है। तो 180% का डैमेज मतलब डैमेज डील करेगा, 120 फिक्स डैमेज है जो कि एक्स्ट्रा होता है। फिर इन्हेंसमेंट आफ्टर द अटैक हिट इट हैज ए 50% चांस टू इंक्रीज द अटैक एंड स्पेशल अटैक बाय 15% विच कैन स्टैक, मतलब तुम्हारा 50% चांस है तुम्हारा अटैक और स्पेशल अटैक 15% इंक्रीज हो जाएगा और इसको तुम स्टैक कर सकते हो। एंड बाद में जो 2 राउंड है उसका मतलब मुझे पता नहीं है, मतलब एक तो 5 स्टैक कर मतलब स्टैक के बारे में लिखा है एंड ऊपर से मैं राउंड के ऊपर भी लिखा है, तो स्टैक के बारे में मुझे वैसे भी कुछ खास नॉलेज नहीं है। बहुत सारे पोकेमॉन के ऊपर ऐसे अटैक्स रहते हैं जिसको तुम स्टैक कर सकते हो अपना स्टैट बढ़ाने के लिए ठीक है। तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, नंबर 1 पे है। एंड मैं अभी भी जब भी जिम में देखता हूँ ना, जिम बैटल कुछ लोगों के साथ मैं जिम बैटल करता हूँ जो मेरे CP के लेवल पे है, तो भाई उनके पास ये सार पोकेमॉन में लुकारियो एंड स्नोरलैक्स रहता ही रहता है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा OP पावर OP पोकेमॉन है ये 2 पोकेमॉन ठीक है। तो तुमको अगर एक SR की टीम बनाना है या फिर तुम्हारे टीम में जगह खाली है तुम किसी SR पोकेमॉन को लेना चाहते हो तो ये 2 पोकेमॉन डेफिनेटली लेना, डार्करा लो या ना लो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन स्नोरलैक्स और लुकारियो तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे SR पोकेमॉन चाहिए तो। एंड अगर तुम न्यू हो गेम में, तुमने अभी जैसे स्टार्ट किया है, तो भाई ये 2 पोकेमॉन तुम्हारे लिए वरदान साबित होंगे, तुम इसको यूज़ ज़रूर करना। तो या गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप कि तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, एंड जो लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते भाई वो लोग भी सब्सक्राइब करो ठीक है। एंड फिर मिलता हूँ मैं तुमको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।